तो भाई लोग नेटफ्लिक्स पर हसीन दिलरुबा का सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा आ चुका है। तो क्या फिर आई हसीन दिलरुबा अपने पहले पार्ट के तरह ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड मिस्ट्री बिल्ड करने का काम करती है, क्योंकि मुझे इसका फर्स्ट पार्ट काफी बढ़िया लगा था। तो इसका पार्ट टू फिर आई हसीन दिलरुबा को लेकर मेरा क्या रिव्यू है एंड अपने पहले पार्ट की तरह ये इम्पैक्ट छोड़ भी पाती है या नहीं, सारी चीज वीडियो में आगे बात करेंगे। और अगर तुमको मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो सबसे पहले भाई मूवी का थोड़ा बहुत स्टोरी की बात करें तो काफी समय बीत चुका है और रिसु अभी भी पुलिस की नजरों से फरार है एंड अपने रानी जी भी आगरा में ही ब्यूटी पार्लर में काम करती है। रिसु नाम वाम बदल कर आगरा में ही रह रहा होता है ताकि रिसु और रानी छुप छुपा कर एक दूसरे से मिलते रहे। साथ ही साथ रिसु पैसे भी इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी थाईलैंड जा सके एंड साथ में न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके और ये पुलिस वगैरह के चक्कर से भी बाहर निकल सके। लेकिन इसके स्टोरी में आता है ट्विस्ट। रावण के भेजे हुए साक्षात दो दूत प्रकट होते हैं, एक तो अभिमन्यु जो रानी जी के प्यार में पूरा बौराए हुए हैं, जो रानी जी करते करते लेना है जी के फिराक में है, और दूसरा मृत्युंजय नील के चाचा जिसे रिसु और रानी ने मिलकर फर्स्ट पार्ट में ही मारा था। इसमें हमें पता लगता है कि नील के एक चाचा भी हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं एंड इस केस के लिए उन्हें हायर किया जाता है और इन्हें पहले से ही पता था कि रिसु अभी भी जिंदा है। तो अब मोंटी चाचा रिसु और रानी दोनों के ही पीछे पड़ चुके हैं। अब वो दोनों इनसे कैसे बच के निकलते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बीच क्या क्या ड्रामा क्रिएट होता है, सारी चीज जानने के लिए एक बार मूवी को चेकआउट कर सकते हो। तो यही था मूवी का प्लॉट। मूवी का स्टोरी इन्हीं सारे कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है। मुझे पर्सनली मूवी का फर्स्ट एंड सेकंड आप दोनों ही ठीक ठाक लगे, उतना भी खराब एक्सपीरियंस नहीं था। मूवी में फॉल्ट तो है, लाइक मूवी का स्टोरी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिखा जा सकता था एंड भाई मूवी का एंडिंग तो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल सा था। एंडिंग में मेकर्स और भी बेटर सस्पेंस क्रिएट कर सकते थे एंड हाँ, सिनेवर्स कहते हैं इस मूवी में पुलिस का काम कुछ भी नहीं है। बस इतना समझ लो पुलिस वाले सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ भाई हम हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज तो भाई किसी ने भी खराब नहीं किया है, बट मुझे सनी कौशल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा। सेकंड हाफ में तो भाई और भी अच्छा करते हैं। विक्रांत मेसी से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन थी कि फर्स्ट पार्ट में इनके कैरेक्टर में जिस तरह का इंटेंसिटी देखने को मिला था वो हमें इस पार्ट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो इंटेंसिटी इनके कैरेक्टर में दिखता ही नहीं है। ओवरऑल फिर आई हसीन दिलरुबा वन टाइम वॉचेबल है, जाकर देख सकते हो। और अगर तुमने ये मूवी देख लिया है तो मुझे अपने अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना एंड तुमको मेरा रिव्यू कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। बाकी इस मूवी को लेकर मेरा जो रिव्यू था वो मैंने दे दिया है, और अगर तुमको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और तब तक के लिए देखते रहिए सिनेवर्स। अरे शुभम, पंडित जी बोल रहे थे तेरा पेट बहुत बाहर निकल रहा है।